कोरोना से एक और जहां हर कोई डरा हुआ है, हर तरफ ऑक्सीजन के लिए भगदड़ जैसी मची है, तो वहीं दूसरी ओर एचएसए प्रबंधन ने मदद का हाथ बढ़ाया है और कहा है कि प्रबंधन अब हर दिन यानी रोजाना 70 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। और इस मौके पर झारखंड सरकार के औषधि विभाग के निदेशक भी मौजूद रहे। उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी आयुष ने। एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है, जैसा कि आपको पता है एचईसी ने प्रतिदिन 60 से 70 सिलेंडर और ऑक्सीजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर ड्रग कंट्रोलर रितु सहाय आज पहुंची थी। उन्होंने निरीक्षण किया है, पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है। अधिकारी से बात की, मैम आपका नाम? पूनम तिर्की, ड्रग इंस्पेक्टर रांची 3। मैम आपने निरीक्षण किया, आप रितु मैम के साथ गए, क्या कुछ आपने देखा? इनका इनके एरिया में पहले से ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का सेटअप है, इसलिए हम लोगों को लगा कि यहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन का भी सेटअप हो सकता है। कुछ टेस्टिंग इन लोग को कराना होगा बाहर में कि उसकी प्योरिटी कितनी होगी, क्या होगी, क्योंकि उसकी जानकारी उतनी नहीं है। तो हमारे साथ रितु सहाय मैम है, हम सीधे उनसे जानेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बेहतर मैसेज उन तक पहुँचा पाए जिनको ये परेशानी हो रही है। मैम काफी आप इस महामारी में लगी हुई हैं। नहीं, हमारी भी पूरी प्रयास है, आज के डेट में इस महामारी में ऑक्सीजन भी बहुत अहम रोल निभा रहा है, तो जहाँ तक ऑक्सीजन की जो भी उत्पादन हो सके, छोटे छोटे उत्पादक तक भी हम चाह रहे हैं उनकी क्षमता बढ़े और हम जो भी इंडस्ट्रियल को कन्वर्ट कर पाए मेडिकल में, तो उसी प्रयास में हम लोग दो दिन कल से इनसे प्रयास में थे। इनसे हम लोग ने जो हमारे नॉर्मल जो रेगुलेटरी फॉर्म्स होते हैं उनमें अप्लाई करवाया, इनको आज इन्होंने आज फीस भी जमा कर दी, जो हमारे लाइसेंस की प्रक्रिया की प्रोसेस होती है। 2 से 3 दिन इन्होंने कहा है कि उस व्यवस्था के बाद ये मार्केट में हमें जो भी हमारे यहाँ मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर साहब, उनसे भी सर आपने सिलेंडर के बारे में बताया था कि 3 तरह के सिलेंडर होते हैं, उत्पादन की गुणवत्ता की जाँच होगी, तब इसको हम लोग कैसे देखें? देखिए बेसिकली जैसे ओटी में है ए टाइप का इस्तेमाल करते हैं, और जो कोविड में ज़्यादातर जंबो जो सिलेंडर्स होते हैं जिसको डी टाइप बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हाई फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि बताया गया यहाँ पर करीबन 30 पर शिफ्ट जंबो सिलेंडर बनाने की कैपेसिटी है, कुछ लिक्विड भी बनाने की कैपेसिटी है, इनका स्टोरेज टैंक भी काफ़ी है। तो कुल मिला के देखा जाए कि इनको हम लोगों ने प्रेरित किया कि आप इंडस्ट्रियल बनाते हैं और कोविड के महामारी को देखते हुए कि आप सपोर्ट कीजिए और आप कहते हैं कि एचईसी की भूमिका इस महामारी में बेहतर नजर आएगी। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत, रांची। खबरें और